जन जन की आवाज़ जीवन भारत में आपका स्वागत है। जैसा खबरें लगातार चल रही है कि बालू गिट्टी हर तरह की समस्या से आज झारखंड जूझ रहा है, इसको लेकर सारे खीरू महतो जो कि राज्यसभा के सांसद के लिए निर्वाचित हुए हैं, इनकी भूमिका को लेकर आज जेडीयू कार्यालय में यूथ का एक मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग में कैसे जेडीयू के टीम को, यूथ टीम को और एक्सपेंड किया जाए, कैसे झारखंड में वो अपना पैर पसारे और जनता के दिल में और जगह बनाए, जनता के बीच में अपनी जगह बनाए, इन सारे स्ट्रैटेजी पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और मीडिया से भी मुखातिब होते हुए कहा कि झारखंड की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है, आज हमारी पार्टी को मौका दिया जाता तो और अच्छा होता। सुनिए प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि जनता दल यूनाइटेड की स्थिति में झारखंड में हम लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन बाबू सहित पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी पार्टी के झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री खीरू महतो जी को राज्यसभा सांसद के रूप में चयनित किया है, मनोनीत किया है, निर्वाचित कर किया है, तब से हमारे झारखंड की स्थिति, झारखंड में जनता दल की स्थिति काफ़ी मजबूत रूप से दिख रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री खीरू महतो जी पूरे झारखंड के पांचों प्रमंडल के सभी जिलों में पिछले 20 दिन लगातार दौरा करने का काम, जाने का काम किया और साथ ही हर जिले में एक एक दिन का प्रवास किए अपने टीम को लेकर के। मैं भी उनके साथ हर जगह था उपस्थित। लोगों का जो विश्वास दिखा, ये जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार ने जिन्हें झारखंड को जो संदेश दिया खीरू महतो जी को राज्यसभा सांसद बना करके, इससे झारखंड के लोगों में विश्वास बढ़ा है कि ये दल जो है जनता दल यूनाइटेड ऐसा एक दल है जो कि झारखंड की माटी की, झारखंड के बेटा को, झारखंड के लोगों की बातों को समझता है और यहाँ के लोगों को यदि कोई सम्मान देगा तो जनता दल यूनाइटेड झारखंड में सम्मान देने का काम करेगा। इसी के परिणाम स्वरूप सभी जिलों में एक जन सैलाब के रूप में हो रहा है। जहाँ हम लोग मीटिंग में करते थे पहले तो जहाँ 50-100 लोग जुटते थे, आज इस बार जब आदरणीय खीरू महतो जी गए हर जिला में तो जहाँ सैकड़ों की संख्या में 400-500 कहीं हजारों की संख्या में लोग जुटे, पूरे एकदम जोश खरोश के साथ इनका स्वागत किया गया, तो निश्चित तौर में जनता दल यूनाइटेड का कुनबा बढ़ा है आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में। अब आने वाले दिनों में मैं ये कहना चाहता हूँ जिस दल का आपने नाम लिया, मैं उस दल, उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता। आने वाले दिनों में आपको दिखने को मिलेगा कि आदरणीय श्री खीरू महतो जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड झारखंड में नंबर वन की पार्टी दिखेगी। जो डिसीजन लिया गया है, जो ऐतिहासिक फैसला आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने लिया है झारखंड के लिए, झारखंड में जनता दल यूनाइटेड निश्चित तौर में स्थापित होगी। और ये हम लोग दावा करते हैं कि आने वाले जो चुनाव है 2024 का, निश्चित तौर में 2024 में जनता दल यूनाइटेड की भागीदारी सरकार में रहेगी। अब भागीदारी ही नहीं, बिना हमारे झारखंड की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, झारखंड में पूरी तरीके से बालू का उठाव जो हो रहा है वो माफिया लोग बालू का उठाव कर रहे हैं और न सिर्फ केवल बालू, झारखंड में गिट्टी की भी कमी सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कंसेंट टू ऑपरेट मिलता है क्रशर को चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और पूरे राज्य में तकरीबन 5,000 करोड़ की सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं जो हैं ठप पड़ चुकी है। जो छोटे व्यवसायी हैं, जो 2 ट्रक 4 ट्रक बालू का, गिट्टी का और सीमेंट का काम करते हैं, सबको कर्ज में डूब चुके हैं। जो हमारे श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी रोजी रोटी दैनिक कार्य से चलती थी, वो सभी भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। और आपको मालूम होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT है, उसके आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक राज्य में बालू का उठाव पर रोक लग गई है। और रोक इसलिए लगाया गया क्योंकि झारखंड सरकार ने जो है राज्य में बालू का उठाव के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, लिहाजा अवैध उत्खनन होने लगा और अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा लगाया गया है। तो मैं JDU पार्टी की ओर से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी से मांग हमारी है कि वो तत्काल जो है
जो परिस्थिति पूरे राज्य में जो हाहाकार मचा हुआ है गिट्टी और बालू को लेकर के, उसमें सुधार लाने के लिए तत्काल जो है वैकल्पिक व्यवस्था तलाश करें और जो भी माध्यम हो सकते हैं जहाँ से हम बालू और गिट्टी को ला सकते हैं, अन्य राज्यों से भी लाने का लाइसेंस देना चाहिए ताकि यहाँ पर जो भी कमी है उसको पूरा किया जा सके और सभी विकास कार्यों को और निजी कार्यों को पूरा करने में लोगों को और सरकार को मदद मिले, ऐसा जनता दल यूनाइटेड मांग करती है। तो आपने सुना कि प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में आज गिट्टी बालू हर तरह की समस्या से जूझ रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं राजनीति उस धारा से नहीं चल रही जिस धारा से चलनी चाहिए थी। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए जेएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।